चीन के वुहान से शुरू हुआ कोरोना अब दुनिया भर में फैल चुका है। WHO ने इसे अब महामारी घोषित कर दिया है। दुनिया के कई देश इसे लेकर सावधानियां बरत रहे हैं। वहीं एक देश ऐसा भी है जहां कोरोना वायरस का एक भी मामला सामने नहीं आया, लेकिन फिर भी इस देश ने महामारी से निपटने के लिए कमर कस ली है। यही नहीं, कोरोना वायरस को लेकर इस देश की तैयारी भी तारीफ के काबिल है। जी हाँ, कोरोना वायरस के खतरे को देखते हुए मध्य अफ्रीका के एक बेहद ही छोटे से देश रवांडा ने खास तैयारी की है। रवांडा ने अपने यहाँ पर हाथ धोने के लिए जगह जगह पर वॉश बेसिन लगाए हैं। देश के सभी शहरों के सड़क, फुटपाथ, बस स्टैंड, बैंक, रेस्टोरेंट और दुकानों के बाहर पोर्टेबल सिंक लगाए गए हैं। द न्यू टाइम्स ने ट्विटर पर एक वीडियो पोस्ट किया है जिसमें नजारा कुछ ऐसा ही दिखाई देता है कि जहां देखो वहां आपको वॉश बेसिन नजर आएंगे। लोग भी सावधानी बरतते हुए अपने हाथ धोते हुए नजर आ रहे हैं। हालांकि रवांडा में एक भी कोरोना का केस सामने नहीं आया, लेकिन पड़ोसी देश कांगो में एक केस सामने आने के बाद रवांडा ने एहतियात के तौर पर ये कदम उठाए हैं। रवांडा सरकार ने भी लोगों को बार बार हाथ धोने के निर्देश दिए हैं। अगर आपको रिपोर्ट पसंद आई तो इसे लाइक और शेयर करें, साथ ही अपने व्यूज हमें कमेंट करके जरूर बताएं।